नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। आज हम चर्चा करेंगे गीता चुनौती, यानी भगवान कृष्ण की गीता में चुनौती है कि आप सुखी नहीं हैं। राइट, सो हम गीता के आधार पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम सुखी नहीं हैं, क्यों हम सुखी नहीं हैं, वास्तविक सुख होता क्या है, और इस दुखों से भरे संसार में जिसको गीता में दुखालम कहा गया है, इसमें हम सुख की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं, ये सारे आज के चर्चा के विषय रहेंगे। सो सबसे पहले शुरू करते हैं, भौतिक सुख क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। गीता में भौतिक सुख को इंद्रिय सुख भी कहा गया है। जब इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां, उनके विषय वस्तु के संपर्क में आती है, तो जो सुख की अनुभूति होती है वो कहलाता है इंद्रिय सुख या भौतिक सुख। इसका मतलब क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, हम जिह्वा एक इंद्रिय है, ठीक है, सो हमारी जिह्वा है। अब आप उस जिह्वा के ऊपर एक रसगुल्ला रख दीजिए, छोटा सा रसगुल्ला। जिह्वा इंद्रिय है, उसके विषय वस्तु क्या है? स्वादिष्ट यानी स्वाद, ठीक है। जब जिह्वा के ऊपर रसगुल्ला पड़ता है तो हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, किसी को मिर्ची पसंद है, तीखा पसंद है, किसी को खट्टा चटपटा पसंद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है, वो अपने पसंद की विषय वस्तु रखेंगे। अब क्या हुआ इस पूरे मामले में, आपने जिह्वा पर रसगुल्ला रखा, रसगुल्ले में केमिकल है, शक्कर चीनी, जिह्वा में केमिकल है, करेक्ट, जो सलाइवा उसमें केमिकल होता है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, उसका एक सिग्नल दिमाग में गया और वो सिग्नल मिलते ही हम खुश हो गए। हमारा जो भौतिक सुख है वो सिग्नल वाला सुख है बस। सो इंद्रियां भौतिक होती हैं और विषय वस्तु भी भौतिक होते हैं। दो भौतिक चीजें मिलती हैं, उनसे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है, वो सिग्नल जिह्वा से निकलकर दिमाग तक जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि हमने रसगुल्ला खा लिया। हमारी असली खुशी, तो खुशी कहाँ से होगी? मन से होगी ना, अंदर से होगी। तो वो आंतरिक खुशी कैसे आती है? जो सिग्नल दिमाग तक पहुंचा उससे आती है। ऐसे इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। अब आप देखिए, एक एक विषय इंद्रिय का, जैसे कानों को संगीत, ठीक है, किसी को अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का संगीत पसंद है, उनके पसंद का संगीत कानों में जाएगा, वो आवाज का कंपन है, कंपन कान में पड़ा, कान की परत को स्पर्श करते ही एक सिग्नल दिमाग में गया और दिमाग में बोला मजा आ गया। वैसे मम्मी ने डांट दिया, चिल्ला चिल्ला के डांट दिया घर पे, वो भी एक ध्वनि का कंपन है, उस कंपन के अंदर कोई आनंद नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप ध्वनि के कंपन लीजिए, आनंद निचोड़िए, कुछ नहीं निकलेगा, बस वो हमारे कान पे पड़ता है, एक सिग्नल पैदा करता है और हमको खुशी या दुख होता है। आंखों को, किसी को स्विट्जरलैंड के पर्वत बड़े पसंद है, वो पर्वत देखते हैं, यू नो, ऐसे बर्फ से ढके पर्वत, थोड़े हरे भरे पर्वत, आंखों को एक छवि मिली, उसका सिग्नल बना, दिमाग में गया, हम खुश हो गए। हमारा पूरा भौतिक आनंद, भौतिक सुख सिग्नल का सुख है, वास्तविक में कोई सुख नहीं है, बस जैसा सिग्नल मिलता है वैसा। राइट, आंखों को सिर्फ रोशनी पड़ रही है, आंखों में रोशनी जा रही है अलग अलग रंगों की, वो रंगों का मिश्रण करके पर्वत दिखता है। सो हम जब वो पर्वत देखते हैं हम अंदर से खुश हो जाते हैं, लेकिन आंखों को असली में जाके पर्वत छू नहीं रहा, पर्वत से कुछ मिल नहीं रहा, कोई अब पर्वत को निचोड़िए, ऐसे पर्वत पकड़ के ऊपर निचोड़ दीजिए, एक बूंद भी सुख की नहीं निकलती, फिर क्यों सुख लगता है? ये है पूरा सिग्नल का खेल।
ये है हमारे सुख की अनुभूति इस संसार में। अब इसको अब आगे देखेंगे। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो भौतिक सुख है या इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रियां भौतिक हैं, विषय वस्तु भी भौतिक है, तो ये जो सुख है ये भौतिक है, इसका आध्यात्मिक सुख से कोई लेना देना नहीं। ओहो, मैं हिमालय पर्वत पर गया, मुझे डिवाइन फीलिंग आई, एकदम दिव्य अनुभव हुआ। नहीं, वो पर्वत भौतिक है, उस पर बड़ी बर्फ भी भौतिक है, आपकी आंखें भी भौतिक हैं, वो जो सिग्नल आ रहा है दिमाग में वो भी भौतिक है, इसमें कुछ भी दिव्य नहीं है। अब भगवान कृष्ण गीता में इसके लक्षण बताते हैं, ठीक है, इस भौतिक सुख के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि ये अंतवंत है। अंतवत्त मतलब अनित्य, ये कभी भी परमानेंट नहीं रहता, ठीक है, यानी इसका अंत निश्चित है। गीता का एक सिद्धांत है, हमेशा याद रखिए, गीता का एक सिद्धांत है, जिस चीज की शुरुआत होती है उसका अंत सुनिश्चित है। चाहे शरीर हो, शरीर पैदा होता है एक समय पे तो नष्ट होता है, करेक्ट। चाहे कोई सुख हो, जो पैदा हुआ वो नष्ट होगा। जैसे आप किसी से मिले, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा समय बाद वो बिछड़ जाएंगे, आपका सुख चला जाएगा। तो एक समय पे आए, करेक्ट, संबंध की शुरुआत हुई, एक समय बिछड़ गए, संबंध खत्म हो गया। सो जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत सुनिश्चित है। वैसे ये तो हम शरीर और लोगों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड, करेक्ट, इस ब्रह्मांड में जो सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मांड के अंदर वो एक समय पर शुरू हुई, नष्ट हो जाएगी। पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से निकला है, सो उसकी भी शुरुआत हुई, वो भी नष्ट हो जाएगा। जिस चीज की शुरुआत है उसका विनाश होना निश्चित है। सो जो हम भौतिक सुख का अनुभव करते हैं ये सब तात्कालिक होता है, थोड़े समय के लिए रहता है फिर चला जाता है। दूसरा भगवान बताते हैं, पांचवें अध्याय से बता रहा हूं, कि ये कष्ट कारक है, करेक्ट, मतलब ये दुख देता है। इसके दो प्रकार से दुख होते हैं, हाँ, इसके दो प्रकार से दुख होते हैं। क्या दुख है? सबसे पहला दुख, क्योंकि इसका अंत सुनिश्चित है तो ये हमेशा नहीं रहेगा, तो जो हमें जो इससे आसक्ति हो जाती है, हम आसक्त हो जाते हैं किसी वस्तु को, व्यक्ति को, सिचुएशन को लेके, वो छूट जाएगी थोड़े समय में, हमें बहुत दुख होगा, ये आसक्ति दुख का कारण है। अभी मेरे साथ कोई है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ है, मेरे पास कोई वस्तु है मेरे पसंद की, मुझे बहुत अच्छा लगता है वस्तु मेरी, मेरे पसंद की मेरे पास है। इस तरह से हमें अपनी पसंद की चीजें, पसंद की परिस्थिति, अभी मौसम कितना अच्छा है, थोड़े दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी, भीषण सर्दी पड़ेगी, ना, भीषण बरसात पड़ेगी, परिस्थिति बदलेगी, सो हमें दुख होगा अगर हम आसक्त हुए तो एक कारण है ये आसक्ति। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण क्या बताया है? कर्म बंधन। ये जो इंद्रिय सुख है, भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, ये इंद्रियां क्यों दी हैं? उनकी सेवा के लिए। अगर हम कृष्ण की सेवा छोड़कर इनको यहां वहां लगाएंगे तो हमें कर्म बंधन लगेगा, तो बंधन का भी हमें कष्ट होता है। सो ये अनित्य है, टेम्पररी है, थोड़े दिन मजा आएगा, अच्छा लगेगा। दूसरा कष्ट कारक है। फिर तीसरा, तीसरा शास्त्र बताते हैं कि रेगिस्तान में जो क्या कहते हैं, ऐसे रेगिस्तान है, ठीक है, ये ऐसे रेत के टीले हैं, ये एक खजूर का पेड़ है, और इधर इधर भीषण सूर्य चमक रहा है, करेक्ट। अब यहां पर एक आदमी है, ये रेगिस्तान में फंस गया है बेचारा, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, मैं अब यहाँ रेगिस्तान में फंस गया हूँ, सूर्य की भीषण धूप है, और नीचे तपती हुई रेत है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। तो कोई है ना पानी लेके आता है इसके लिए,
ठीक है, एक आदमी आता है दौड़ दौड़ के, मैं पानी लेके आया तुम्हारे लिए, उसके पानी की बॉटल है, ये यहाँ जाके उसको पानी देता है, उस बॉटल में से केवल एक बूंद पानी निकलता है, सिर्फ एक बूंद, मतलब ये लो तुम पानी मांग रहे थे पानी भिजवाया है। इतने तपते हुए रेगिस्तान में, तपती हुई धूप में आदमी चल चल के थक गया है, झुलस गया है, छांव भी नहीं है, खजूर का पेड़ बड़ा हुआ था, क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राइट, पंथी को छाया नहीं पर लगे थे दूर, तो ऐसा हो गया। तो ये सारी चीजें होकर, इतनी सारी चीजें होकर उसको एक बूंद पानी, हाँ, कोई राहत मिलेगी नहीं। तो वैसे ही इस भौतिक जगत का जो सुख है एकदम नगण्य है, राइट। हमें थोड़ी देर के लिए अनुभूति, मैंने क्या बताया आपको, सिग्नल मिलता है इसको, ये वास्तविक सुख नहीं है, सुख की अनुभूति हो रही है हमको, सुख की अनुभूति, कुछ मजा आया, कुछ तो अच्छा लगा, राइट। हमको सुख की केवल अनुभूति होती है, वो भी इतनी नगण्य। हम शाश्वत जीव हैं, हम सदा रहना चाहते हैं, सदा जीना चाहते हैं उसमें। अब इसके बाद इसको बहुत अच्छे से एक और तरीके समझा है, विशेरा भांडा, यानी विश विशेरा भांड, भांड मतलब बर्तन, यू नो, बंगाली में, संस्कृत में, या इवन मराठी में भी भांड, भांड वर्ड जो होता है भांडा, उसको हम बर्तन, बर्तन। इसको विश का बर्तन कहा गया है। अब सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम एकदम सुंदर, यू नो, सोने का ये एक बर्तन है, उसमें हीरे मोती लगे हुए हैं अच्छे से, ढेर सारे हीरे मोती हैं, और बहुत सुंदर ऐसे कारीगरी की हुई है, और इसके अंदर रखा है विष। क्या आप बर्तन देख के, इतना सुंदर बर्तन, सोने का, हीरे मोती जड़े हैं, करोड़ों का तो बर्तन ही है, राइट, उसमें अगर विष रखा है, भले ही करोड़ों का बर्तन क्यों ना हाथ उठा के पियेंगे, नहीं पियेंगे। यही चीज भगवान बोलते हैं कि हमको इस संसार में लगता है हम सुखी हैं, हमको सुख का सिर्फ सिग्नल दिया जाता है, उसके पीछे नरक ले जाके हमको अच्छे से उबलते हुए तेल में पकाया जाता है, हम असली में सुखी नहीं है, हमको फंदा दे के फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बकरी है ना, बकरी को स्लॉटर करने के पहले, बकरी होती है, उसको जस्ट एक एक बकरी, एजम्पशन वाली बकरी है, ठीक है, उसको जब कसाई ले जाता है स्लॉटर करने के लिए, तो उसको बहुत सारी हरी हरी घास खिलाता है, तो बकरी उस घास में इतने तल्लीन हो जाती है कि उसको ध्यान नहीं रहता है कि अब मैं आगे, यू नो, स्लॉटर होने वाली। वैसे ही ये इंद्रिय सुख जो है हमको इतना आसक्त करता है, इतना सराबोर करता है अपने आप में, कि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे हमें इसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। सो आप बताइए, अब जिसको, एक समझदार व्यक्ति, ठीक है, एक समझदार व्यक्ति है ये, अब ये समझदार व्यक्ति देख रहा है, ये बकरी बोल रही है आई एम सो सुखी, करेक्ट, आई एम सो सुखी, ऐसे बकरी इसकी तरफ स्माइल करके बोल रही है, ठीक है। ये समझदार व्यक्ति मायूस हो गया, क्यों, क्योंकि इसके इसके पीछे खड़ा हुआ कसाई दिख रहा है, यू आर एक्चुअली नॉट सुखी, तुमको झांसे में डाला गया है सुख के, ताकि तुम्हारा ध्यान इस हरी हरी घास में रहे, और पीछे से फिर वो आके तुम्हें ले जाए और तुमको कट कर दे, मार दे, मतलब तुम्हारा प्राण ले ले। तो जिसको पूरी पिक्चर दिखती है, जिसको पूरा नजारा दिखता है, उसको समझ में आता है क्या हो रहा है, जो आधे आधे अधूरे में रहता है उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये चीज हमारे साथ हो रही है, भगवान को पूरी पिक्चर दिख रही है, इसका आगे क्या होने वाला है भगवान जानते हैं, हम जानते नहीं, तो हम सोचते हैं ओ यो मैन, इट्स माई लाइफ, माई रूल्स, आई एम एंजॉइंग, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान को पता है आगे यमदूत वेट कर रहे हैं इसका। भगवान बोलते हैं ना, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पता है, भविष्यानि च भूतानि, ऐसा।
सो मैं भविष्य भी जानता हूँ, भूत भी जानता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि ये हरकत तुम्हें नरक ले जाएगी, ये असली में सुख नहीं है, ये तो घोर कष्ट का एक ट्रैप है, फंदा है जिसमें फंसाया जा रहा है। इसलिए भगवान चुनौती देते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता, राइट। फिर अब हमको लगता है कि भौतिक सुख, अभी इस भौतिक सुख के बारे में और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है। क्या है भौतिक सुख, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, भगवान कृष्ण बताते हैं तीसरे अध्याय में। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि वो क्या चीज है जो एक व्यक्ति को प्रेरित करती है, किस चीज के लिए प्रेरित करती है? अनिच्छन अपि वासना बलादिव नियोजयेत, बिना इच्छा के भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। सो अब भगवान बताते हैं यह है काम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम का मतलब होता है भौतिक इच्छा। सामान्य तौर पर काम को काम वासना के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काम का सिर्फ वही मतलब नहीं है कि काम वासना, वो भी है काम, लेकिन काम को संस्कृत में, गीता में इस तरह से समझाया गया है, कोई भी भौतिक इच्छा, सिर्फ ये कहते हैं ऐसे लस्टी डिजायर, सेक्सुअल डिजायर ही काम नहीं है। इवन इवन क्या कहते हैं, अनऑफर्ड रसगुल्ला खाना, सिनेमा गाने सुनना, ये भी काम है, पबजी खेलना, ये भी काम है। जो भी चीज भगवान की सेवा में नहीं है, इंद्र तृप्ति में लगी है, वो सब इस कैटेगरी में आता है, करेक्ट। सो काम का मतलब है भौतिक इच्छा। अब हमको लगता है, देखिए हमको क्या लगता है, इच्छा पूरी होगी तो हम एकदम खुश हो जाएंगे, या एकदम है ना हैप्पी चेयरफुल हो जाएंगे, राइट। तो ये बस, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये इच्छा पूरी करता रहे, इच्छा पूरी होते रहे मेरी, करेक्ट, मैं खुश रहूंगा। तो भगवान बोल रहे हैं अलर्ट। क्या अलर्ट देते हैं भगवान, पढ़िए भगवद गीता में, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बस यही मुझे सुख देगा, इच्छा पूर्ति होगी तो मैं सुखी रहूंगा, यही मेरे सुख का कारण है। अब भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में, अब इसके इसके क्या क्या विशेषता बताई हैं, बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है, इस संसार का सर्वभक्षी। फिर पापी, फिर शत्रु, 1 2 3 4। अगर आपको पता है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, शेर है, शेर, उसके पिंजरे में आपको डाल दिया जाए, अब वाओ शेर मिल गया मुझे, इससे दोस्ती करो, आप ऐसा सोच के उससे उसे गले लगाने जाएंगे, दोस्ती करने जाएंगे, या फिर आप, आपको पता है सर्वभक्षी है, ये शत्रु है, ये मुझे खा जाएगा, आप अपने प्राण बचाएंगे उससे, उससे दूर भागेंगे। तो हमें प्रलोभन दिया जाता है इंद्र तृप्ति का, राइट, कि देखो कितना अच्छा माहौल है, इंजॉय, लेकिन उसके पीछे ये हमें क्रोध में डालता है, जिससे हमारा भौतिक पतन होता है, दूसरे अध्याय बताया। ये सर्वभक्षी है, सर्वभक्षी क्यों कहा गया है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति खा जाएगा, हमारे भौतिक क्या कहते हैं जो स्टेबिलिटी, स्थिरता है, वो भी खा जाएगा, हमारा हमारे मनुष्य जीवन खा जाएगा, हमें नरक की तरफ धक्का देगा, करेक्ट। और शत्रु है ये मीठी छुरी वाला शत्रु है, ऊपर से बड़ा प्लीजिंग लगेगा, आ जाओ मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, वाह वाह वाह, इच्छा पूरी से इच्छा पूरी हो गई तो मतलब मेरे को सुख मिल गया। पीछे पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है नरक भेज के उबलते हुए तेल में पकाने का। तो भगवान इसलिए बोलते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है, क्यों, क्योंकि अंत में ये सब उस दिशा में जा रहे हैं। अभी सुखी लग रहा है, लेकिन लास्ट में आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, मुझे सिंपल, कोई व्यक्ति है, उसको यहां से दिल्ली जाना है, ठीक है, ये सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है अहमदाबाद, ये है दिल्ली, कोई व्यक्ति यहां से दिल्ली जाना चाहता है, दिल्ली में उसका घर है, ठीक है, अब वो स्लीपर क्लास में जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली जा रहा है। अब वो व्यक्ति
ठीक है, कष्ट होगा थोड़ा सा, स्लीपर क्लास में थोड़ी तकलीफ तो होती है, ठंडी गर्मी सब, धूप पसीना, और तरह तरह के लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, स्टैंडर्ड चीज है ये। अब उसको आप बोल दीजिए तुमको एसी गाड़ी में भेजता हूँ, यू नो टू एसी में, लेकिन आप उसको दिल्ली के बजाय मुंबई के ट्रेन में बैठा दीजिए, मुंबई में कुछ नहीं है, करेक्ट? तो अभी उसका उसका कुछ नहीं है मतलब, तो अभी आप बताइए उसको कितना सुकून मिलेगा। हाँ, रात भर बहुत ठंडक से बीती, एकदम मंद ठंडी पवन चल रही थी, कंबल लेके मैं सो गया, लेकिन आगे उसका जीवन कितना संकट कारक होने वाला है जब वो वहां उतरेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो दिखता है कि ये सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको कष्ट में झोंका जा रहा है। सो इसलिए भगवान चुनौती देते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं है, राइट? हमारे सुख की परिभाषा जो है वो हमें गीता के अनुसार रखनी है, तब हम सुखी होंगे। हम अपने तरीके से सुख सोचेंगे, अब मुझको ये चीज अच्छी लग रही है, मैं इससे खुश हूं, तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन दो लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक है भगवान कृष्ण को, क्योंकि आप उनकी सेवा से अलग जाएंगे, दूसरे यमदूतों को, राइट? वो माफ नहीं करते हैं, सीधा उठा के ले जाते हैं, क्योंकि यमदूतों के पास माफी करने की पावर नहीं है। तो कितना भी आप प्ली करेंगे उनसे, प्लीड करेंगे कि माफ कर दीजिए, माफ नहीं करेंगे। सो दोनों लोगों को वो है, एतराज है इस पर। तो मुद्दा यह है कि भगवान इस तरह इसको समझाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी हमने देखा लक्षण, क्या लक्षण देखे हमने? भौतिक सुख के लक्षण। अब जो वास्तविक सुख होता है, जिसे आध्यात्मिक सुख कहा जाता है, इसके भी लक्षण बताए गए हैं, डेफिनेटली इसके भी लक्षण बताए गए हैं। सो क्या है आध्यात्मिक या वास्तविक सुख के लक्षण? सबसे पहला, करेक्ट, सबसे पहला लक्षण है, ये सिग्नल पे नहीं चलता, ये सीधा आत्मिक अनुभूति होती है। ये भौतिक इंद्रियों से आभास नहीं किया जा सकता, करेक्ट? इस सुख को भौतिक इंद्रियों से इसका आभास नहीं किया जा सकता, इसका आभास होता है आत्मा द्वारा। सो भगवद गीता में आपने कितनी बार पढ़ा होगा कि भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, इजंट इट, भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, जो भगवान के संपर्क में रहता है वो सदैव आनंद में रहता है। क्यों? उसका आंसर इसी सेंटेंस में है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में है। भगवान अब हम चर्चा कर रहे थे, उस समय हम चर्चा कर रहे थे, आप हिमालय पर्वत को, स्विट्जरलैंड के पर्वत को निचोड़िए, अंदर से कुछ भी रस नहीं निकलेगा, कोई आनंद की एक बूंद भी नहीं निकलेगी, लेकिन लेकिन शास्त्र बताते हैं भगवान कृष्ण तो आनंद के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। और ये कैसा सागर है? आनंद अम्बुधि वर्धनम। और ये आनंद का सागर है, भगवान कृष्ण स्वयं आनंद के एक सागर हैं, कितना भी आनंद लेते जाइए आप उनसे कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा लक्षण क्या बताया है? ये सागर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आप देखिए अभी मटेरियल वर्ल्ड में सागर है, इतनी सारी नदियां उसमें पानी डालती हैं रोज, कॉन्स्टेंटली, गंगा नदी, यमुना नदी, यू नो जो भी, कावेरी, ये सब, ब्रह्मपुत्र, सब सागर में पानी डालती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों में, दूसरे क्या कहते हैं महाद्वीपों में, वो सागर लिमिटेड ही है, उतना ही रहता है। कभी ऐसे नहीं कि अरे अर्थ की बाउंड्री से बाहर निकल गया, चांद तक पहुंच गया, कुछ नहीं होता ऐसा। लेकिन भगवान ऐसे आनंद के सागर हैं, वर्धनम, हमेशा भगवान जो आनंद देते हैं बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ऐसे कोई सीमा नहीं है। जब हम, अब देखिए आप हिमालय पर्वत को निचोड़िए, रसगुल्ले को निचोड़िए, जो आ रहे हैं कानों में ध्वनि कंपन, कोई रस, कोई आनंद नहीं है इनमें, वो कान को लग के दिमाग को जो सिग्नल देते हैं ना, बस उसी का आनंद है हमें। सिग्नल थोड़ा अच्छा, भावन भाने जैसा लगा तो अच्छा है, भाने जैसा नहीं लगा तो अच्छा नहीं है। हमारा पूरा भौतिक आनंद उस सिग्नल पर निर्भर करता है, यही यही उसका सार है। वो सिग्नल हमसे मैच हुआ तो हम खुश हुए, सिग्नल मैच नहीं हुआ तो नहीं। वस्तु में कोई आनंद नहीं है, वस्तु में कोई आनंद नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं आनंद की मूर्ति हैं, भगवान स्वयं आनंद
ट्रांसेंडेंटल प्रेजर परसोनिफाइड, व्यक्तिगत वो है भगवान, आनंद है। जो भी भगवान के संपर्क में आएगा वो आत्मिक आनंद का अनुभव करेगा, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भौतिक आनंद कैसा है, भौतिक परिस्थिति कैसी है, उसे मिल रही है या नहीं मिल रही है। सो इसके इसके किस तरह से लक्षण बताए गए हैं, एकदम अपोजिट उसके। ठीक है, एक तो सबसे पहले अनंत है ये, कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान खत्म नहीं होते। देखिए भगवान और आत्मा दोनों आके कहते हैं अनंत काल तक रहते हैं, यानी शाश्वत हैं। करेक्ट, भगवान और आत्मा दोनों शाश्वत हैं। भगवान कभी नष्ट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, उनका कनेक्शन भी कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो ये जो आनंद का आदान प्रदान है ये सदैव रहता है, सदैव। फिर ये आनंद सारे बंधनों से मुक्त मुक्त भी है और मुक्ति दिलाता भी है। आप संकीर्तन का आनंद लीजिए, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आपके कर्म बंधन मिट जाएंगे। आप सिनेमा गाने का आनंद लीजिए, तुरंत कर्म बंधन लग जाएगा। आप गीता पढ़ने का आनंद लीजिए, आप प्रसाद सेवन का आनंद लीजिए, आपके पाप मिटेंगे। सो ये मुक्त कराता है हमें, वो वाला आनंद हमें बंधन में बांधता है, ये आनंद हमें संसार से विरक्ति दिलाता है। जिसको सच में वास्तव में संकीर्तन का आनंद, भगवान की सेवा का आनंद, हरिनाम जप का आनंद, गीता के अध्ययन का, वाचन का आनंद आ गया है, प्रसाद लेने का आनंद आ गया है, धीरे धीरे संसार से उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है। राइट, ये हमें कृष्ण प्राप्ति कराता है। तो वास्तविक आनंद ऐसा है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बताते हैं भगवान, देखिए इस आनंद को किस तरह समझाया गया है। मैं यहाँ लिखता हूँ 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक, यहाँ से पढ़ेंगे। इस आनंद का वर्णन सुनिए। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। अपने आप में वो आनंद उठाता है, उसे बाहरी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, आज क्यों उदास हो, कोई पूछता है, आप किसी को पूछिए आज क्यों उदास हो, उसने आज मेरे को ऐसा कर दिया, करेक्ट, वो मुझे खुश नहीं करता है, मुझे खुश नहीं रखता है। तो लोगों को हमें शिकायत होती है, ऑफिस में कोई आदमी काम कर रहा है, मेरा बॉस ऐसा है, वो मुझे खुश नहीं रखता है, बहुत परेशान करता है। घर में बीवी बोलती है हस्बैंड ऐसे हैं, हस्बैंड बोलता है वाइफ ऐसी है, इजंट इट, या कोई सास ऐसी है, बहू ऐसी है, सब एक दूसरे पे। इंडियंस रो रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम हमें खुश नहीं करती, मैच हार के आ जाती है, पब्लिक रो रही है कि सरकार हमें खुश नहीं करती, उल्टी सीधी पॉलिसी बनाती रहती है, भारी टैक्स लेती है, हर एक किसी ना किसी मजबूरी में है। दूसरे खुश करेंगे तो हम खुश होंगे, लेकिन जिसको वास्तव में इस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव हो गया है, वो दूसरे के खुश करने का वेट नहीं करता, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता दूसरे मुझे खुश कर रहे हैं या नहीं। राइट, हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इस संसार में कोई भी हमें खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सब अपना अपना जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम भी अपना जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। राइट, बाय चांस अगर हमें खुश करने में उसको खुशी मिलती है तो करेगा, अगर उसे हमें खुश करने में कोई खुशी नहीं मिलती वो नहीं करेगा। पब्लिक को खुश करने में सरकार को खुशी मिलती है कि आगामी इलेक्शन में वोट आएंगे। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है अपने आप में वो आनंद उठाता है, उसे बाहरी किसी वस्तु से, व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे खुश करो या ना करो, मैं आप पर क्यों निर्भर रहूं, मैं आप पर क्यों निर्भर रहूं। राइट, मेरा अपना भी तो एक अस्तित्व है, मैं भी तो कृष्णा का अंश हूं, मेरा भी तो भगवान के साथ कनेक्शन है। अगर मुझे सच में हैप्पीनेस चाहिए है, सच में खुशी चाहिए है, तो मैं भगवान से मांगूंगा ना। अगर मुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाना है कि मुझे खुश करो, तो मैं भगवान के आगे गिड़गिड़ाऊंगा, भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा, आपके आगे क्यों। ये है वो पॉइंट।
तो नेक्स्ट, उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। अब इसका इसका अनुभव कैसे होता है? फोर्थ पॉइंट है, दिव्य इंद्रियों द्वारा, यानी जो आत्मा की इंद्रियां होती हैं, शरीर की अलग इंद्रियां होती है जो आपको दिखती हैं, ये सब शरीर की इंद्रियां हैं, आत्मा की अपनी इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा वो भगवान की सेवा करता है गोलोक जाके, राइट। सो अभी वो जो सारी इंद्रियां हैं वो अभी लुप्त अवस्था में है, क्यों? क्योंकि अभी हम भौतिक जगत में हैं, यहाँ भौतिक इंद्रियों से काम करते हैं। सो जैसे हमारी भौतिक इंद्रियां हैं जिनसे हम कार्य करते हैं, आत्मा की भी अपनी दिव्य इंद्रियां होती हैं। अब आप याद कीजिए, भौतिक सुख क्या था? भौतिक इंद्रियां भौतिक विषय से मिलती हैं, भौतिक सुख होता है। ये आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जो भगवान से मिलती हैं, भगवान के संपर्क में आती हैं, आध्यात्मिक सुख होता है। ये कभी नष्ट नहीं होता है, शाश्वत है, ये असीम है, करेक्ट। ये जो आनंद का सागर ये बढ़ता रहता है, असीम है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विपत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर, इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मांगता। उसको पता है यही सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ, कोई दूसरी उपलब्धि, कोई दूसरा सुख नहीं है। और अब एक और पॉइंट देखिए, ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। बड़ी से बड़ी कठिनाई, उसमें भी विचलित नहीं होता। सो ये है रियल कनेक्शन विद कृष्णा, भगवान के साथ जो वास्तविक संबंध, जिसको हम बोलते हैं ना रियल कनेक्शन, ये है वो, जहां हम वास्तव में, कठिनाई पे कठिनाई आ गई तो भी हम खुश हैं, इसका मतलब हम अंदर से खुश हैं। हम वो नींबू के रसगुल्ले के सिग्नल से खुश नहीं है, हम अंदर से खुश हैं। अब सिग्नल कैसा भी है, करेले का सिग्नल आए, नीम का सिग्नल आए, मिर्ची का सिग्नल आए, रसगुल्ले का सिग्नल आए, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, अंदर से दिल संतुष्ट है, प्रसन्न है, अपने ही अंतर में रमण कर रहा है, ये है आध्यात्मिक सुख। बाहर से मधुर संगीत आ रहा है सिनेमा का, उधर से मम्मी की डांट आ रही है, ना लग तो किसी काम का नहीं है, राइट। ये भी सिग्नल आ रहा है, वो भी एक सिग्नल आ रहा है, लेकिन हम इनसे विचलित नहीं हुए। ये है वो आंतरिक सुख जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं। जिसने ये उपलब्ध कर लिया वो सुखी है, जिसने ये उपलब्ध कर लिया वो सुखी है, वो नहीं जो इन इंद्रिय विषयों के पीछे भागता है। अरे मेरे को ये चाहिए था, मिल गया, ठीक है थोड़ी देर खुश हो जाओ, इसके पीछे कितना बड़ा विष का बर्तन छुपा हुआ है, राइट। वो बकरी को स्लॉटर कर रहे हैं, हरी घास खिलाई जा रही है, ये सारी चीजें याद रखनी है। ओ ये तो असली में सुख नहीं है, सुख कष्ट में फंसाने के लिए हमको जो क्या कहते हैं बेट डालते हैं ना, इंग्लिश में बेट बोलते हैं उसको, शिकारी क्या करता है, शेर को फंसाने के लिए जंगल में बकरी बांध देता है, वो मचान पर चढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे हमको फंसाने के लिए ये डाला गया है, इतना हमको आश्वासन होना चाहिए, फिर हमें कभी ये सुख नहीं लगेगा, ठीक है। अब दुख का कारण क्या है, शॉर्ट में इसको देखते हैं, दुख का कारण कि क्यों इस संसार में क्या है वो चीज जो हमें दुखी करती है। सबसे पहला इस संसार का डिजाइन, ठीक है, इस संसार का डिजाइन क्या है, वो संसार का डिजाइन भगवान ने क्या बोला भगवद गीता में, ये संसार जो है ये दुखालयम है। दुखालयम का मतलब क्या है, दुख का घर। आप अगर दुख के घर में बैठे हैं तो आप सुखी रहने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति जेल में है, ठीक है, और वो बोले मुझे मेरे राजमहल जैसा ऐशो आराम चाहिए, राजमहल जैसा सुख चाहिए, वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसको ये मिलेगा? हम गलत जगह पर सही चीज ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगी? असली सुख का घर है भगवान का धाम, जिसको हम ठुकरा कर छोड़ कर भगवान से झगड़ा कर कर आ गए यहाँ पे, असली सुख की जगह तो वो थी, अब हम फंसे हैं दुखालय में। इस पूरे संसार का स्ट्रक्चर
इस पूरे संसार की डिजाइनिंग ऐसी हुई है कि हमें दुख दे, राइट। सर्वप्रभात बताते हैं दुर्गा देवी है, सो दुर्गा देवी के पास त्रिशूल होता है, राइट। ये दुर्गा देवी का त्रिशूल है। त्रिशूल क्यों बोलते हैं उसको, उसमें तीन शूल होते हैं। वन नंबर शूल मतलब कांटे, टू नंबर, थ्री नंबर। ये तीन शूल क्या है, ये तीन शूल जो हैं ये तीन प्रकार के कष्टों को संबोधित करते हैं। आध्यात्मिक कष्ट जो हमको हमारे मन और शरीर से खुद खुद को हम देते हैं ना, वो है आध्यात्मिक कष्ट। फिर अधिदैविक कष्ट जो देवताओं से सुपर नेचुरल पावर से आता है, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई है, यू नो भीषण गर्मी पड़ रही है, सूर्यदेव का प्रकोप है, ये सब जो है ये अधिदैविक कष्ट है। फिर आते हैं अधिभौतिक कष्ट, ये आते हैं दूसरे जीवों से। अधिभौतिक, कुत्ते ने काट लिया चलते चलते रास्ते में, अधिभौतिक हो गया। चोर ने आके घर में चोरी कर ली, थोड़ा कष्ट होता है दिल को कि चोरी हो गई भाई, तो वो है। मच्छर ने काट लिया, खुजली हो गई, या थोड़ा सा बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, ये सब दूसरे जीवों से। ना पड़ोसी ने आके चिल्ला दिया, तो ये सब ना दूसरे जीवों से जो कष्ट होते हैं वो होते हैं अधिभौतिक। कॉन्स्टेंटली दुर्गा देवी इस त्रिशूल का वार कर रही है हमारे ऊपर। हम कैसे शांति की उम्मीद रख सकते हैं, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संसार में हमको सुख शांति मिले। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज भगवान बताते हैं गीता में, 13 चैप्टर बोले 13वां अध्याय, आई थिंक नाइन्थ नाइन्थ श्लोक में आता है ये। दुखालयम यू नो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दोष अनुदर्शनम, राइट। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस संसार में, अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है समझना, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी, इन सबको कोई व्यक्ति सोच सकता है। क्या सोच सकता है कि चलो भाई टेम्पररी ही सही, थोड़े समय के लिए अनित्य, लेकिन सुख तो मिल रहा है भौतिक जगत में, आनंद के इंद्रिय तृप्ति तो हो रही है। सो प्रभुपाद बताते हैं कि असली सुख क्या है। असली सुख है जो अनंत है और शाश्वत है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, 10वें अध्याय बोलते हैं सर्वहर, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब कुछ छीन के ले जाता हूं। हम इतने परिश्रम से, अब मुद्दा क्या है, क्वेश्चन क्या आता है, हम इतने परिश्रम से सब कुछ समेटते हैं, सब कुछ रेडी करते हैं, ठीक है, एजुकेशन लेते हैं, बिजनेस या यू नो जॉब कुछ भी करके हम थोड़ी धन संपत्ति एकत्रित करते हैं, घर बनाते हैं, परिवार होता है, परिवार का लालन पालन करते हैं, मतलब फिर ये सब इतने सारी चीजों में, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेबल होते हैं, जीवन जीने लगते हैं, उतने मृत्यु आ जाती है। मृत्यु सब कुछ छीन के ले जाती है, फिर नेक्स्ट जन्म में दोबारा मेहनत कराती है, पूरा परिश्रम करो, फिर से सब कुछ कमाओ, फिर छोड़ के चले जाओ। तो ये मृत्यु जो है, पहले तो मृत्यु का अपना एक दर्द होता है, जब मृत्यु आती है ना, आत्मा को शरीर छोड़ने के समय बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, क्योंकि उसको शरीर से इतना लगाव होता है कि उससे वो ये इतने जन्म, इतने साल, डिकेट्स, जन्म नहीं, इतने इतने साल, इतने दशक इस शरीर में बिताए हैं, करेक्ट, 50 साल, 70 साल, 80 साल, जो जितने भी आयु जिया है, इतने साल मैंने इस शरीर में बिताए हैं, करेक्ट। अब इसको छोड़ के जाना है, आगे कहाँ जाएंगे उसकी अनसर्टेनिटी है, फिर इससे जुड़े हुए सारे लोगों को छोड़ के जाना है, इसकी भी अनसर्टेनिटी है कहाँ जाएंगे। तो मृत्यु अपने आप में कष्टकारक है, ऊपर से मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, उसका और कष्ट होता है। इस तरह हम कभी सुखी नहीं रह सकते। समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, जो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति है, राइट। सो ज्ञानी व्यक्ति मतलब जिसको ज्ञान है,
ज्ञानी व्यक्ति वो है जो इन चारों को कष्ट रूप में देखे और सोचे, जब तक इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वास्तव में सुखी नहीं रह सकते। राइट, जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम वास्तव में सुखी नहीं रह सकते। जिसने ये समझ लिया उसको बोलते हैं ज्ञानी। भगवान बोलते हैं ये देखिए, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति और बहुत सारे 19 और एलिमेंट्स बताए, टोटल 20 बताए हैं, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। सो लोग बोलते हैं ओ डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप भले ही बोल रहे हैं कि डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, बट ये नासमझी है, ये अज्ञान है। क्यों? ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं हो सकता। हम आत्मा है, हम शाश्वत हैं, हम सदैव जीने के लिए बने हैं, बार बार पैदा होकर मरने के लिए, कष्ट सहने के लिए नहीं बने हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में 15वें अध्याय में बोलते हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक पढ़ता हूं मैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान बोल रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। सो भगवान भगवान है ना, अपना कंसर्न, कंसर्न मतलब भगवान अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिकर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे बच्चे होकर तुम संघर्ष में लगे हुए हो। पढ़िए, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। सो मेरे बच्चे होकर मैं सच्चिदानंद हूं, मेरे बच्चे भी सच्चिदानंद हैं, आनंद में होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, ये सब मृत्यु जरा व्याधि इनके उलझनों से मुक्त होना चाहिए। राइट, फिर क्यों संघर्ष कर रहे हैं? वो है ये अज्ञान। सो भगवान चाहते हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान बता रहे हैं मेरे बच्चे हो तुम और तुम इस तरह संघर्ष में लगे हो। एक अमीर पिता का लड़का है, करोड़पति पिता का लड़का है, वो करोड़पति पिता का आलिशान महल छोड़कर चला जाए, सड़क पर संघर्ष करे, दर दर जाके भीख मांगे, धूप सहे, कष्ट सहे, कभी यू नो कोई आके देता है, कभी कोई नहीं देता है, कभी कोई ठुकराता है, कितने सारे कष्ट हैं, कभी फुटपाथ पर पड़ा है, कभी किसी शेड के नीचे पड़ा है, पेड़ के नीचे सो रहा है, अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है, क्यों संघर्ष कर रहे हो? अब उसके सारा संघर्ष कैसे मिटेगा? जब वो भगवान के अन्य पिताजी के पास वापस जाएगा। वैसे ही हमारा सारा संघर्ष कब मिटेगा? जब हम कृष्ण के पास वापस जाएंगे। उसके पहले हमें समझना होगा कि ये संघर्ष है, ये कष्ट है, दुख दोष अनुदर्शनम, इसको दुख जैसा देखना होगा। जो अज्ञान में है वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मरना है तो मर जाएंगे थोड़े दिन में, आप मरने के लिए बने ही नहीं हो। राइट, आप मरने के लिए नहीं बने हो, आप शाश्वत जीवन जीने के लिए बने हो, भगवान की सेवा के लिए बने हो, वो छोड़ के अभी आपको कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। सो अब भगवान बताते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सुखी रहने का रहस्य क्या है? राइट, सुखी सुखी रहने का जो क्या कहते हैं सीक्रेट है, जो भगवान गीता में बोलते हैं। अब वो रहस्य हो गया। दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान बताते हैं, बड़ा फेमस श्लोक है, अनेक बार चर्चित श्लोक है ये, और भक्तों के बीच तो बहुत पॉपुलर है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। इस एक श्लोक में पूरा जो भी आप समझे ना सीक्रेट फॉर्मूला वो बताया गया है। इस एक श्लोक में पूरा सीक्रेट फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। देखिए अभी इसका अनुवाद, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है
उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? सो सबसे पहले क्या बोला गया है? कृष्ण भावनामृत में बुद्धि स्थिर होगी तो हम सुखी होंगे। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे काम करता है कृष्ण भावनामृत से सुखी होने का जो सफर है, जो यात्रा है। राइट, यहां पे बताइए, बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि दिव्य होगी तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो शांति मिलेगी, शांति मिलेगी तो सुख। अब इसके बारे में क्या क्या बताया गया, देखिए उसके पहले। ठीक है, ये तो है, भगवान ने बता दिया फॉर्मूला कि भाई ये रहस्य है, लेकिन इसके पहले हम गीता से देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं अर्जुन का। अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, लोगों को क्या लगता है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, स्टैंडर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा प्रचलित मोस्ट पॉपुलर, आप सर्वे कीजिए। ठीक है, ऐसा मार्केट जाइए, मॉल जाइए, आस पड़ोस में सर्वे कीजिए, वो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली चीज क्या है जो आपको मिल जाए और आप सुखी हो जाएंगे? ठीक है, ऐसे लोगों से पूछिए, ये क्वेश्चन है। एक वो सिर्फ एक चीज ऐसे बताइए जो आपको मिल जाए और आपको लगे कि आपके बस, आप एकदम जो दुख है कष्ट है सब मिट जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे। मैक्सिमम 90% लोगों का आंसर होगा पैसा। करेक्ट, पैसा मिल जाए, ढेर सारा पैसा मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, ढेर सारा पैसा मिल जाए। तो अभी देखिए भगवद गीता में जिसके पास ढेर सारा पैसा है वो क्या बोल रहा है, और जिसको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है वो क्या बोल रहा है। अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण से, अर्जुन दुखी हैं, उदास हैं। ठीक है, क्यों? उनका मन कमजोर हो गया है, वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, पैसे कमे नहीं है उनके पास, और आगे बहुत सारा मिलने वाला है। हस्तिनापुर जीत गया तो बहुत सारा, पूरे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, लोग है ना ऐसे थोड़ा सा 1 बीघा 2 बीघा जमीन मिलके इतना खुश हो जाते हैं। राइट, यहाँ पर पूरा अर्जुन को पूरा पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और वैसे भी कोई कमी नहीं अर्जुन के पास। अब देखिए अर्जुन के वचन, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। सो भगवान अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे स्वर्ग जैसा राज्य मिल जाए। लोग बोलते हैं मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, कोई बोलते हैं 10 करोड़ रुपए मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। 1 करोड़ 10 करोड़ पूरी पृथ्वी के राज्य के सामने, पूरी पृथ्वी पर शासन करने के सामने एक इतना सा एटम भी नहीं है, 1 करोड़ तो ऐसे छू हो जाते। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए जो स्वर्ग के जैसा धन धान्य है, फिर भी मेरा ये शोक नहीं जाएगा। आप गूगल पे कभी सर्च कीजिए, करेक्ट, मिलियनर्स ऐसे करोड़पति लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, लंबी लिस्ट है, इक्के दुक्के नहीं है कि चलो भाई थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस हो गया, लंबी लिस्ट है। पॉपुलर लोग, सिनेमा स्टार्स, यू नो ऐसे पॉपुलर लोग जिन्होंने आत्महत्या की है, जो जिनके लोग फैन है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उनके फैन हैं, दीवाने हैं। तो फेम फेम मिल गया, आप ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, सौंदर्य मिल गया, आप धनवान हैं, पैसे हैं, पैसा भी मिल गया, ये तो सारी चीजें मिल गई आपको। करेक्ट, ताकत है, एटलीस्ट हेल्दी है, आज स्वस्थ है, फिर क्या प्रेरित करता है कि जाकर आत्महत्या कर लो? लोग बोलते हैं आत्महत्या की खबर पढ़ते, किसी के आत्महत्या की खबर पढ़ेंगे, ये सब मेरे पास होता है तो मैं कभी नहीं करता आत्महत्या। तो अब भगवान बताते हैं कमी कहाँ है, कमी है यहां। अब ये कमी, इसका क्या कनेक्शन है? अगर वो कृष्णा कॉन्शियस होते इसका क्या कनेक्शन होता है? उनको वास्तव में आत्मिक सुख का अनुभव होता। इस आत्मिक सुख के अनुभव से, इस आत्मिक सुख के अनुभव से बाहर की परिस्थिति उन्हें अपने प्राण त्यागने के लिए मजबूर नहीं करती है।
सबसे बड़ा लॉस हुआ है उनको, उन्होंने इसका प्रयास नहीं किया। उन्होंने पैसा कमाने का, फेम, नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत, और क्या कहते हैं, सुंदरता, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, ताकत, ये सब कमाने के लिए मेहनत की है। लेकिन जो चीज उनकी जान बचा सकती थी, वो चीज कमाने के लिए मेहनत नहीं की, सब कुछ छूट गया ना, अंत में कष्टकारक हुआ और जान आत्महत्या करने का पाप अलग से और लगेगा। सो जो कृष्ण भावनात्मक में नहीं है, भगवान देख सकते हैं आगे अपने आप को कितने बड़े संकट में डाल रहा है, इसलिए भगवान चुनौती देते हैं, कोई सुखी नहीं है। तुम अभी कर रहे हो, मतलब उछल कूद हो रही है, एकदम एक्साइटमेंट चल रहा है, थ्रिल चल रहा है, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जब तक हम असली सुख के जो भंडार हैं, जो सागर हैं, उनको कनेक्ट नहीं होंगे, आप पावर हाउस को कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको बिजली कैसे मिलेगी? आप कितने महंगे बल्ब लगा लीजिए, आपको बल्ब लगाने की खुशी होगी, देखो भी लाख लाख रुपए का एक एक बल्ब है, शैंडलियर है, जो भी है, आपके स्पॉटलाइट्स हैं, जो भी सारी चीजें लगाते हैं, बिजली तो आनी चाहिए। उनको देखकर हम सुंदर, उनके सुंदरता देख के हम संतुष्ट नहीं रह सकते, जिस उद्देश्य के लिए वो पूरा होना चाहिए। वैसे ही हम बाहरी चीजों से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो असली कोर है वो होना चाहिए। सो अर्जुन बोल रहे हैं, मुझे पैसा मिलेगा तो भी नहीं होगा, करेक्ट? अगर किसी को खुश रहना है, सो ये सॉल्यूशन नहीं है। इससे आपको कुछ साधन मिल सकते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि मृत्यु आके ले जाएगी। वास्तविक आनंद इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इसका कर्म बंधन लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा त्याग गया तो खुश हो जाएंगे, पैसा आने से खुश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। आवश्यकता पूर्ति का साधन है ये खुशी का स्रोत नहीं है। हिमालय को निचोड़िए, कुछ सुख नहीं है उसमें, हम चर्चा कर रहे थे, वैसे ही ये साधन है जीने के लिए, जीविका के लिए चाहिए है, चाहिए। इसके ऊपर आश्रित होकर अपनी खुशी ढूंढना बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, ये पैसा सिर्फ शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए नहीं चाहिए। आत्मा के लिए कृष्ण भावनामृत चाहिए है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावना बताती है, जप करके, अध्ययन करके, प्रसाद पाकर, संकीर्तन करके, सेवा करके, साधना करके, ये है वो असली पूंजी है, ये जो हमें कमा कर रखनी है आत्मा के लिए। तो हमारी निर्भरता, मैंने मेरा प्रश्न क्या था, एक वस्तु जो मिल जाए जिससे हमें आनंद मिले, तो वो सुखी सुखी रखने वाली, सुख देने वाली, वो एकमात्र वस्तु अगर सबसे टॉप प्रायोरिटी की क्या है, तो वो है कृष्ण भावनामृत। राइट? हमने इतने एग्जाम्पल देखे हैं लाइफ में, आप देखिए आचार्य, हमारे जितने पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके पास रहने के लिए कुटीर तक नहीं था। आज रात एक पेड़ के नीचे, गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, ताकि उनको पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए। तो ये है मुद्दा। अब आगे देखते हैं, सर प्रभुपाद बताते हैं। अब देखिए, हमारी चर्चा क्या चल रही थी, कृष्ण भावनामृत से सुखी होते हैं, कैसे भगवान सुखी करेंगे, ये भगवान का वचन है। अब प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक वो देते हैं, इंग्लिश में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोस, हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना होगा, बहुत फेमस, ये स्कूलों के इसमें भी लगा रहता है, स्कूल के कॉरिडोर में जाएंगे तो वहां भी लगा रहता है, बहुत जगह पब्लिक प्लेसेस में लगा रहता है। इसका क्या मतलब है? भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। अब अपनी सहायता करने का मतलब क्या है? लोग इसको समझते नहीं हैं। अपनी सहायता करने का मतलब तो यहां पर दिया है, कृष्ण भावनामृत बनो। अपनी सहायता करने का मतलब है हेल्प देमसेल्व्स। व्हाट इज दैट हेल्प? कनेक्ट विद कृष्णा। अपने आप को भगवान से जोड़ो, बाकी का सब कुछ भगवान कर देंगे, ये है भगवान का वचन। राइट? सो अपनी हेल्प कैसे करेंगे हम? हेल्प योर सेल्फ। कैसे हेल्प करूं प्रभु जी, मैं अपनी सहायता कैसे करूं, प्रश्न आता है। अपने आप को भगवान से जोड़िए। जब पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस,
ये हो गया पावर हाउस, जहां से बिजली घर। फिर ये वो होते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन से जाते हैं ना। हाँ, अब यहाँ से बिजली घर से तार आ रही है, ये आपके घर का बल्ब है, ये तार आ रही है इस बल्ब में और ये आपका बल्ब जल रहा है। बीच में अब इस बल्ब को अगर जलना है, इसको क्या करना है, हेल्प योर सेल्फ। ये बल्ब खुद को नहीं जला सकता, बल्ब कभी भी खुद को नहीं जला सकता। उसको अपनी मदद कैसे करनी है, मैं अपने आप को खुश रखूंगा? नहीं, आप अपना कनेक्शन बिजली घर से जोड़ दीजिए, राइट। आप अपना कनेक्शन बिजली, धुआं, हाँ ये धुआं निकल रहा, पावर हाउस का, थर्मल पावर हाउस है। सो आप अपना कनेक्शन बिजली घर से जोड़ दीजिए, अपने आप चमकेंगे। बाकी का जो बिजली का सप्लाई है ना, वो बिजली घर करता है, आपको नहीं लाना पड़ता, आपको नहीं बनाना पड़ता। वैसे ही आप अपने आप को कृष्ण से जोड़ दीजिए, सारा सुख का सप्लाई, दिव्य आनंद, जो दिव्य सुख होता है, उसका सप्लाई भगवान करेंगे। ये भगवान गीता में बोलते हैं। सो हेल्प योर सेल्फ, खुद की सहायता कैसे करते हैं, अपने आप को भगवान से जोड़कर, राइट। आप किसी और से जोड़ के देख लीजिए, किसी अन्य व्यक्ति से जोड़िए, किसी देवता से जोड़िए कि हाँ ये देवता मुझे खुश करेंगे। वो देवता भी टेम्पररी है, वो भी बेचारे चले जाएंगे उनके पोस्ट से, और वो उतना दे सकते हैं जितना भगवान सप्लाई करेंगे आगे, या जितना उनकी कैपेसिटी में है। तो भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सप्लाई करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो कुछ भी आपके पास कमी है उसको भगवान पूरा करेंगे, और जो कुछ आपके पास है उसकी भगवान रक्षा करेंगे। यानी आपको इस जीवन में जो भी आवश्यकता है, जो भी चाहिए है, भगवान उसका ध्यान रखते हैं, करेक्ट। फिर भगवान क्या बोलते हैं, 18 वर्सेस। अब आप देखिए, भगवान हमको सुखी रहने के लिए, कि मैं तुमको सुखी रखूंगा, ठीक है। अब ये भी सब छूट जाएगा ना एक दिन, हम मर जाएंगे, फिर कोई बात नहीं। भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारे सारे पाप मिटा दूंगा। फिर 10वें अध्याय में बोलते हैं, पाप मिटाने के बाद 10वें अध्याय में क्या बोलते हैं, मेरे पास आने की जो बुद्धि है, पर भगवान के पास आने के लिए जो बुद्धि चाहिए है, वो भगवान बोलते हैं मैं दूंगा। फिर 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं खुद आकर ले जाऊंगा, तेषाम अहम् समुद्धरता। तो मैं खुद आकर ले जाऊंगा। अब बताइए, भगवान ने इतने सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे एश्योरेंस दिए हैं, पूरा मुद्दा ये है, अगर हमें फाइनली अल्टीमेटली हैप्पी रहना है, भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। कितनी बार भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मेरे धाम को आओ। वही हम जेल में हैं, जब तक जेल में है, ठीक है, भगवान ख्याल रखेंगे, लेकिन हमारी योजना जेल से निकलने की होनी चाहिए, हमारी योजना जेल से निकलने की होनी चाहिए। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मैं आपको एक है ना वो प्रभुपाद का एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये एक घर है, मान लिए चलिए एक घर है, एक एक घर में एक बिल्डिंग है, एक एक इमारत है ये, ठीक है। अभी अभी ऑफर किया जाए कि इस इमारत में आपको रहना है, इसमें आपकी चारपाई होगी, ठीक है, आपकी चारपाई होगी इस इमारत में, आपका खाने का ये हो गया, आपका बेड, फिर आपका टेबल होगा, फिर चेयर होगी, ऐसे करके यू नो आपका पूरा आवास है, आपके रहने का ठिकाना है। आज आपको ऐसा बताया जाए कि देखिए एक ऐसा घर बन रहा है जिसमें आपको रहने के लिए ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब आप दूर से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है भी, यू नो बढ़िया सुंदर टिकाऊ लग रहा है, ऐसा करके। फिर जब आप पास जाते हैं, आप जैसे जैसे आप उसके पास जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस घर के बाहर एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पे ऐसा सिंबल लटक रहा है, राइट। ये सिंबल कहाँ लटकता है, आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो ऐसा ऐसा नजारा आपको कहाँ देखने को मिलता है, यस, ये है टॉयलेट।
घर के टॉयलेट में ऐसा बोर्ड नहीं होता, ये है पब्लिक टॉयलेट। ठीक है प्रभु, बताते हैं ऐसा। अब ऐसा इसके दरवाजे पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, आपको बोला जाए आप इसमें रहिए और अपना पूरा जीवन यहां बिताइए, आप तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सेंट मारेंगे, ढेर सारा सेंट मारेंगे, रोज गुलाब जल छिड़केंगे, ठीक है, पर ये रहना है, पूरी जिंदगी ये रहना। तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वो जगह रहने के लिए बनी ही नहीं है, वो जगह रहने लायक है भी नहीं। जब हम इस संसार को इस नजरिए से देखेंगे तो हम यहां से निकलने का विचार करेंगे। कोई ऐसे भी लोग होंगे संसार में जिनको यहां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको वैसा बन के नहीं जीना है। ये है वो मुद्दा जो भगवान बोल रहे हैं। और वो जो इसमें रह रहा होगा, आ मैं तो कितना सुखी हूं, लेकिन बाकी सब लोग देख रहे हैं, हाय बेचारे का कितना दुखी जीवन है, ऐसी जगह रहना पड़ रहा है, कितना कष्ट है। ये चीज भगवान देख रहे हैं हमारे लिए कि तुम मेरे अंश होकर ऐसे संसार में सड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, हमको लग रहा है हम कितने सुखी हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा मेरे को यहाँ बहुत सुख आ रहा है इस पब्लिक टॉयलेट में रहने में, पूरी जिंदगी यही बिताना चाहता हूँ, ये पागल हो गया है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। वैसे ही हम सोच रहे हैं, हमको इस भौतिक जगत में बहुत सुख आ रहा है, हम पूरी जिंदगी यही बिताना चाहते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये पागल हो गया है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कोई सुखी नहीं है यहाँ पर, आप अभी ऐसा लग रहा है लेकिन आगे बहुत कष्ट होगा, राइट? इसलिए यह है भगवान का पूरा मुद्दा कि इस संसार से निकलो तभी वास्तविक सुख मिलेगा, हम अभी सुख के भ्रम में हैं। राइट? सो जब हम अपने विचारों को भगवान के विचारों से मिलाएंगे तब हम सही सही देख पाएंगे हम कहाँ हैं और किस तरह से फंसे हैं। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ भगवद गीता की जय, शिव प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।